धन्यवाद बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कक्षा छठी को आज हिंदी शिक्षण के बारे में अध्ययन करवाना चाहती हूँ। आप कोविड-19 की वजह से घर में बैठे ही सुरक्षित बैठकर हिंदी शिक्षण के बारे में अध्ययन करोगे। अपना समय ना बर्बाद करते हुए हम सबसे पहले हिंदी पुस्तक सुमेगा हिंदी पाठमाला में संकलित कविता प्रकृति की शोभा, जो कि श्रीधर पाठक द्वारा लिखी गई है, उनके बारे में संक्षिप्त सार का अध्ययन करेंगे। कवि कहते हैं कि प्रकृति की शोभा इतनी ज़्यादा है इसकी, जो कि अनमोल है, जिसका मैं मूल्य नहीं लगा सकता। प्रकृति को आप जितना नज़दीक से झांकोगे, उतनी ही वो आपको गहराई से बेहतरीन तरीके से समझ आएगी, क्योंकि हमारा जीवन तभी सुखमय होगा जब हम अपनी प्रकृति को सुरक्षित रखेंगे। इस कविता में कवि के कहने का ये आशय है कि प्रकृति जो है, किस तरह भगवान ने अपनी इसकी रचना करने में अपनी चतुराई दिखाई है। भगवान की चतुराई को दर्शाया गया है कि भगवान ने कितने चतुर ढंग से इस प्रकृति की रचना की है। कवि ये कहते हैं किस तरह ये दिन रात, ये जो चंद्रमा सूर्य अपने अपने समय पर आते हैं, अलग अलग ऋतुएं आती हैं, अपनी शोभा दिखाकर चला जाते हैं। कवि ये भी कहते हैं कि झरने कैसे बहते हुए पूरी धरती में फैले हुए हैं, सरोवर हैं, झीले हैं, किस तरह ये शोभामान होकर हमारी प्रकृति की सुंदरता को और भी ज़्यादा सुंदर बना रहे हैं। आखिर में हम ये कहेंगे कि प्रकृति जो है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, इसे हमें आप संभाल कर रखना चाहिए, इसे हमें खोना नहीं चाहिए। जितना हम इसे सुरक्षित रखेंगे, हमारा जीवन जो है और भी ज़्यादा आनंददायक और सुखी होगा। धन्यवाद।